हे गाइस, वेलकम टू अनवायर्ड एकेडमी। आज हम लोग करने वाले हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के वाटर रिक्वायरमेंट पे कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन अपना, फॉरकास्ट ऑफ पॉपुलेशन फॉर वाटर सप्लाई इज डन यूजिंग सी अर्थमेटिक मीन मेथड भी होता है, कंपरेटिव मेथड भी होता है, जिसमें दो सिटीज़ अगर सेम सिटीज़ हैं तो उस सिटीज़ की कंपेरिजन करके हम डाटा निकालते हैं। ग्राफिकल मेथड से भी हम लोग निकालते हैं पॉपुलेशन, एंड इवन अदर मेथड्स जो हैं वहाँ पे ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड और इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, इन दोनों मेथड से भी हम लोग जो है कलेक्ट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जितने भी ऑप्शन है सारे से हम लोग जो पॉपुलेशन है फॉरकास्ट करते हैं वाटर सप्लाई के लिए इन फ्यूचर में, तो सारा ही सही है, इसलिए डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ए वाटर सप्लाई स्कीम इज टू बी डिजाइन फॉर एन एरिया विथ ओवर 90% पॉपुलेशन एज ए लोअर इनकम ग्रुप। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, एज ए लोअर इनकम ग्रुप याद रखिएगा इसको, व्हाट शुड बी दी वाटर डिमांड लीटर पर डे। अब पूछ रहा है कि वाटर डिमांड क्या होगा पर डे के हिसाब से, और एज ए 90% पॉपुलेशन की बात कर रहा है जहाँ पे लोअर इनकम ग्रुप है। तो जहाँ पे ऑलरेडी लोअर इनकम ग्रुप है, आपको पता होगा जो हायर इनकम ग्रुप होता है वहाँ पे 200 जहाँ पे फुल फ्लश होता है, यानी फुल फ्लश आप यूज़ करते हो टॉयलेट्स में, तो वहाँ पे 200 लीटर तक पर डे पर कैपिटा यूज़ होता है। बट एज ए नॉर्मली अगर लोअर इनकम ग्रुप का इंसान है तो वहाँ पे 135 लीटर पर कैपिटा पर डे यूज होता है। क्लियर है? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 135 पर कैपिटा पर डे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन द पीक डिस्चार्ज फॉर डोमेस्टिक पर्पस कैपिटा पर मिनट इज टेकन एज, इट इज टॉकिंग फॉर पर मिनट। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे मान लेते हैं एक आदमी के लिए, जनरली अगर हम लोअर इनकम ग्रुप में लेते हैं जहाँ पे फुल फ्लशिंग सिस्टम नहीं है, तो 135 लीटर पर कैपिटा पर डे होता है। अब कह रहा है कि 135 लीटर से कितना ज़्यादा हम ले के चलते हैं, जैसे फ्लक्चुएशंस भी होते हैं, तो उसमें कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन में 1.8 लीटर टू 5 to 10 यूजर्स, अगर 5 से 10 यूजर हैं तो वहाँ पे 1.8 लीटर हम एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। क्लियर है? यानी कि अगर मान लीजिए 100 लीटर है तो वहाँ पे 180 लीटर हो जाएगा, यानी 80% वहाँ पे इंक्रीज़ कर रहे हैं 1.8। उसी तरह 1.2 इंक्रीज़ कर रहे हैं, 15 यूज़र है तो 0.2 एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं। वहीं पे 0.35 इंक्रीज़ कर रहे हैं जहाँ पे 20 यूज़र आ रहे हैं। तो ये सारे ही सही होते हैं और सारे इंडियन स्टैंडर्ड्स के तहत जो वाटर डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके तहत ये लागू किए गए हैं। तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इज अराइव्ड बाई यूजिंग द फॉलोइंग कोड। कौन सा कोड हम यूज़ करते हैं वाटर रिक्वायरमेंट निकालने के लिए? तो इंडियन, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड्स 1172 1963, इंडियन स्टैंडर्ड्स 1172 1963 कोड को हम लोग यूज़ करते हैं। देन द ऑप्शन विल बी बी। फिल द गैप, सी वाटर कंटेंट्स डैश ऑफ ऑक्सीजन कंटेंट इन फ्रेश वाटर स्ट्रीम। कह रहा है कि सी वाटर में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन होता है, O2 होता है, किसके कंपैरिजन में, फ्रेश वाटर के। तो अप्रॉक्स 80% जो ऑक्सीजन होता है किसके कंपैरिजन में, फ्रेश वाटर में। अगर फ्रेश वाटर 100% तो सी वाटर में 80% ऑक्सीजन होता है, यानी 20% लगभग कम होता है। तो ऑप्शन विल बी डी, डी जो है अपना सही होगा। ओके, द वाटर प्रिवेंशन, इसमें द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट वॉज इनैक्टेड बाई इंडियन पार्लियामेंट इन द ईयर। किस साल में वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन, एक तो टाइगर वाला आया था जिसमें हम लोग चेंज किए थे, तो ये टाइगर को बचाने के लिए लाया गया था 1972 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, और इसी समय बदला गया था लायन से अपना टाइगर पे। तो ये तो इन्वायरमेंटल से रिलेटेड हो गया, एज ए आप कह सकते हैं एनिमल से। बट वहीं वाटर की बात करें तो वाटर में प्रिवेंशन और कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट जो लागू हुआ था, ये लागू हुआ था 1974 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पीक डिमांड ऑफ वाटर इन इंडियन कंडीशन इज, जो पीक डिमांड होता है वो कितना लेके चलते हैं। तो अप्रॉक्स आपको पता होगा कि जैसे कि मॉर्निंग में हम लोग 6 से 9 सबसे ज़्यादा पीक हमारा यूज़ होता है, वहीं इवनिंग में 6 से 8, बिकॉज इसी समय मैक्सिमम लोग खाना बनाते हैं, एक्सेट्रा नहाते हैं, बात लेते हैं, तो सारे इस समय पीक रहता है। तो इंडियन स्टैंडर्ड्स के तहत अप्रॉक्स 2.5 to 3 टाइम्स जो एवरेज होता है हमारा, जो एवरेज वाटर रिक्वायर्ड होता है, उससे ज़्यादा हम लोग पीक जो डिमांड होता है उसको लेके चलते हैं। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, 2.5 to 3 टाइम्स द एवरेज।
ए टाउन वाटर सप्लाई स्कीम इज कॉमनली डिजाइंड फॉर अ पॉपुलेशन। कह रहा है कि एक टाउन है, मान लीजिए एक सिटी है, अब सिटी को कितने साल पे हम लोग डिज़ाइन करेंगे? ऐसा तो है नहीं कि हर साल, अब आप कहीं पे रह रहे हैं, सपोज आप लखनऊ में रह रहे हैं, अब ऐसा तो नहीं है ना कि लखनऊ की हर साल के बाद वाटर डिमांड जो होगा वो चेक की जाएगी, फिर से उसके सारे प्लांट्स जो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वो फिर से बनाए जाएंगे उस वहाँ के वाटर डिमांड के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं होता है। बिकॉज जो भी पॉपुलेशन इंक्रीज करती है वो डिकेड्स में हम लोग काउंट करते हैं, जैसे कि 2011 में हुआ था तो अब 2021 में होगा, तो इस हिसाब से हम लोग चेक करते हैं कितना ग्रोथ है, और जनरली ये 2 to 3 डिकेड्स पे, 2.5 to 3 डिकेड्स पे इसको हम लोग चेक करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एज एवरेज ले तो 2.5, तो आंसर हो जाएगा 3 डिकेड, एटलीस्ट 3 डिकेड मैक्सिमम जो है उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, और फिर जो जितने भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं और जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होती है, फिर उसको हम लोग डिज़ाइन करते हैं नियर बाई जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई रहती है उसके अकॉर्डिंग। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 1172-1963 वाटर रिक्वायर्ड पर हेड पर डे फॉर एवरेज डोमेस्टिक पर्पस, यहाँ पे याद रखिएगा फॉर एवरेज डोमेस्टिक पर्पस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, कह रहा है कि 1172-1963 जो इंडियन स्टैंडर्ड था उसको कोड के तहत कितना रिक्वायर्ड होता है। तो अभी हम लोग ने बात किया था एज एवरेज बात करें तो 135 लीटर होता है, वहीं पे अगर फुल फ्लश सिस्टम हो तो वहाँ पे 200 लीटर पर कैपिटा पर डे होता है, क्लियर है। वहीं पे मेट्रो सिटीज़ में ये 270 तक भी चला जाता है जहाँ पे लोग एक्स्ट्रा पानी यूज़ करते हैं। फॉर ग्रोइंग टाउन एंड सिटीज हैविंग फास्ट स्कोप फॉर एग्जामिनेशन द मेथड ऑफ फॉरकास्टिंग पॉपुलेशन मोस्टली एप्लीकेबल इज, कह रहे हैं कि अगर कोई टाउन बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, ठीक है, एंड फास्ट स्कोप ऑफ स्कोप एक्सपेंशन, और बहुत तेज़ स्कोप है उसके एक्सपेंशन का, तो कौन सा फॉरकास्टिंग का मेथड यूज़ होगा। और आगे भी अगर पढ़ें जो कि बाकी समय में क्वेश्चन आए थे, विच मेथड इज एक्यूरेट फॉर फॉरकास्टिंग पॉपुलेशन फॉर साउंड एंड रैपिडली इंक्रीजिंग सिटी, क्लियर है। द सुटेबल मेथड ऑफ फॉरकास्टिंग पॉपुलेशन फॉर अ यंग एंड रैपिडली, रिमेंबर दिस, ये जितनी भी हैं रैपिड कब इंक्रीज, कोई भी सिटी जब यंग हो, अगर सैचुरेटेड होगा तो जाहिर सी बात है कि वो फास्ट ग्रोथ नहीं करेगी, तो अगर ओल्ड यंग एंड रैपिडली इंक्रीजिंग सिटी है तो उस समय हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, ये क्वेश्चन अपना इसमें पूछा गया हुआ है, तो कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। तो इसमें याद रखिएगा जो भी टाउन और सिटी जो है अगर एवरेज इंक्रीज कर रहा है पॉपुलेशन, एवरेज इंक्रीमेंट है, तो उस समय इंक्रीमेंटल इंक्रीज यूज़ करते हैं, वहीं पे अगर फास्ट ग्रोथ है तो वहाँ पे जियोमेट्रिकल यूज़ करते हैं, वहीं पे अगर ओल्ड सिटी है और एज ए सैचुरेशन के पोजीशन पे, वहाँ पे अर्थमेटिक मेथड यूज़ करते हैं, क्लियर है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ग्राफिकल मेथड जनरली जो यूज़ होता है, लॉजिस्टिकल एज ए स्मॉल एंड लार्ज भी कर सकते हैं, और ग्राफिकल जैसे मान लीजिए एक टाउन है उसके फीचर सारे सिमिलर हैं, एक दूसरा टाउन है वहाँ पे कैलकुलेट नहीं हुआ है और उसके भी फीचर्स सारे सेम हैं, उस केसेस में इसके सारे फीचर्स को यूज़ करके यहाँ के पॉपुलेशन को काउंट कर लिया जाता है जनरली, दैट इज़ कॉल्ड ग्राफिकल और रिलेटेबल कह सकते हैं, और उस हिसाब से वहाँ पे कैलकुलेट कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसका तो आंसर क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड से अगर कोई रैपिड इंक्रीज है तो ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड से यूज़ करते हैं, क्लियर है। जिसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें निकालना है Pn इक्वल टू पी नॉट यानी कि जो लास्ट नोन है, इनटू 1 plus r to the power r by 100 to the power n, n क्या होता है यहाँ पे टाइम, जितने डिकेड के बाद निकालना है, Pn लास्ट नोन होता है और Pn जो हम जिस डिकेड में निकाल रहे हैं, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रोथ ऑफ ए पॉपुलेशन कैन बी प्रेजेंटेड बाई, अब ग्रोथ ऑफ ए पॉपुलेशन हम किससे प्रेजेंट करते हैं, देखिए अगर कोई भी लॉजिस्टिक कर्व हम इसमें यूज़ करते हैं, बिकॉज अगर स्मॉल होगा तो इसमें कर्व शो करता है, बट वहीं पे अगर लार्ज चीज़ होगा तो एज ए कॉन्स्टेंट शो होता है, अगर लार्ज वैल्यू पे चेंजेस हो रहे हैं तो बहुत कॉन्स्टेंट चेंज होता है, इसीलिए लॉजिस्टिक कर्व हम इसमें यूज़ करते हैं, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो रिप्रेजेंट होता है वो अपना लॉजिस्टिक कर्व से रिप्रेजेंट होता है, याद रखिएगा इसको। The average domestic consumption of water in a city under normal condition, कभी भी normal condition, average condition या फिर poor condition आए, सीधा आँख बंद करके आप 135 liter per capita per day answer मार दीजिएगा। The population of a town in 3 consecutive year 5,000, 7,000 and 8,400 respectively, the population of the town in the fourth consecutive year according to the geometrical increase method, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे पहले इंक्रीमेंट चेक कर लीजिए कितना इंक्रीमेंट है, तो इंक्रीमेंट चेक करने के लिए आप क्योंकि हमें r निकालना होगा, एक्चुअली होता क्या फॉर्मूला, Pn इक्वल टू पी नॉट इंटू 1 प्लस r बाई 100, क्लियर है।
तो हमें आर बाई 100 निकालना है। अब आर जो है हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे दो बार इंक्रीमेंट होगा तो या तो हम आर को निकाल लें अंडर रूट करके, बिकॉज दो बार है तो आर वन इंटू आर टू, जो भी इंक्रीमेंट आएगी, फर्स्ट इंक्रीमेंट कितना परसेंट होगा आर वन परसेंट, तो 7000 माइनस 5000 तो 2000, और ये कितने पे इंक्रीज कर रहा है 5000 पे इंटू 100। क्लियर है? इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 20, यानी 40% का इंक्रीज है। तो फर्स्ट 40% आ गया, उसी तरह सेकंड का परसेंटेज निकाल लेंगे। अब ये दोनों जो परसेंट है तो ये आर हैं अपने, अगर आर बाई 100 आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 0.4 फर्स्ट वाला, और सेकंड वाला जो भी आएगा अगर मान लेते हैं 30% आया तो 0.3 हो जाएगा। अब हमें आर निकालना है तो 0.4 इंटू 0.3 रूट अंडर। क्लियर है? या तो अगर आप दूसरे तरीके से आर निकालना चाहते हैं तो आर वन प्लस आर टू बाई टू, इसका एवरेज भी लेके आप आर निकाल सकते हैं। दोनों तरीका, दोनों से आप आर निकाल सकते हैं। अब एन यहाँ पे होगा क्या, किस ईयर के लिए पूछ रहा है, देन फोर्थ कंजिक्यूटिव ईयर। एक्चुअली दिस विल बी नॉट ईयर, डिकेड होगा यहाँ पे अगर आप वन लेते हो। अगर ईयर हो जाएगा, जैसे कह रहा है कि फर्स्ट ईयर, यहाँ पे डिकेड होगा। अगर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की बात करेगा तो वहाँ पे 10 डिकेड में वन होता है, मतलब वन डिकेड में, यानी कि 10 साल में एक हम लेते हैं वन, देन अगर हम वन ईयर की बात कर रहे हैं तो 0.1 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर हम डिकेड यूज़ करेंगे देन एन की वैल्यू 1 होगी, वहीं पे अगर एक साल के बाद की बात करेंगे तो यहाँ पे एन की वैल्यू 0.1 होगी। इससे आप आंसर निकाल सकते हैं। पी नॉट अपना लास्ट क्या है, 8400, लास्ट नोन अपनी पॉपुलेशन जो है, तो पी नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे, आर हमारा यहाँ से आ जाएगा, बाकी सारे वैल्यूज हमें पता है, इससे आप इजिली निकाल सकते हो। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इन ए थ्री कंजिक्यूटिव, सिमिलर है, ज्योमेट्रिक मेथड से आपको बनाना है, तो इजली आप इसको एज ए इस फॉर्मूले पे पी नॉट इंटू वन प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन पी एन निकाल लोगे, जो नेक्स्ट डिकेड होगा। यहाँ पे एन अपना कितना हो जाएगा 1, आर आप निकाल लोगे परसेंटेज, बिकॉज 1.1 माइनस 1 बाई 1 इंटू 100, फर्स्ट का आ जाएगा इंक्रीमेंट, वहीं पे सेकेंड का इंक्रीमेंट, तो 1.2 माइनस 1.1 बाई 1.1, बिकॉज 1.1 लाख के ऊपर ही इंक्रीज कर रहा ना इंटू 100, तो ये सेकेंड आर टू आ जाएगा, आर टू और ये आर वन फर्स्ट वाला, यहाँ से आर वन आर टू निकल जाएगा। तो या तो आप आर वन प्लस आर टू का एवरेज ले लो या फिर अंडर रूट लिखो, अंडर रूट लेने पे मोस्ट एक्यूरेट आंसर आता है। तो यहाँ से आपको आर निकल जाएगा, आर परसेंट, अब 100 से आप उसे डिवाइड कर दो तो डायरेक्ट आर बाई 100 आ जाएगा, तो आपको डायरेक्ट वो वैल्यू पुट कर सकते हो, या फिर सिर्फ आप परसेंटेज, जैसे कि 40% इंटू 30% का आप ले रहे हो तो डायरेक्ट आर परसेंट आपने लिया है, तो उस समय आप डायरेक्ट यहाँ पे आर की वैल्यू रखोगे बाई 100 टू द पावर एन की, जो भी वैल्यू एन है यहाँ पे एक डिकेट के पास, फोर्थ कंजिक्यूटिव डिकेट के लिए पूछ रहा है, तो एन की वैल्यू 1 है, 1 पुट करोगे आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता सकते हो। क्लियर है? ये न्यूमेरिकल पर्पस क्वेश्चन है, मैंने ट्रिक पूरा फॉर्मूला जैसे यूज़ किया जाता है, निकाला जाता है, बता दिया है, आंसर आप निकाल के कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉजेज रिडक्शन इन पर कैपिटा वाटर कंजप्शन। अब पूछ रहा है कि पर कैपिटा वाटर कंजप्शन में कौन सा मेथड है जो कि वाटर की यूजेज को कम कर सकता है। ठीक है, तो देखिए, गुड क्वालिटी वाटर होगा तो जाहिर सी बात है, जहाँ ज़्यादा अच्छा पानी होगा वहाँ पे इनक्रीम डिमांड, मतलब यूजेस क्या होगा, बढ़ जाएगा। हॉटर क्लाइमेट में, गर्मी में डिमांड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मॉडर्न लाइफ लिविंग स्टाइल में हर जगह आपको नलकूपें मिल जाएंगे, टैप्स हर जगह मिल जाएगी, तो वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज वॉशरूम्स ज़्यादा होते हैं, फीचर्स अलग होते हैं, फ्लश सिस्टम होता है, तो वहाँ पे आपको पानी की खपत ज़्यादा होगी। वहीं पे अगर मीटरिंग सिस्टम होता है, यानी कि अगर मान लेते हैं मीटर लगा हुआ है, तो मीटर लगा है तो वहाँ उसके लिए आपको बिल्स देने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू मीटर, आप जितना पानी उठाओगे, तो इस केस में क्या होता है, पानी की यूजेज जो है वो कंट्रोल हो जाती हैं, और थोड़ा दिमाग से लोग यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं कि बस पानी बहाए जा रहे हैं। तो आंसर विल बी मीटरिंग सिस्टम, इस सिस्टम में पानी का यूज़ जो होता है पर कैपिटा कम हो जाता है। तो गाइज, आज के सेशन में इतना ही था। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो आप जो भी डोनेशन देना चाहते हैं अपनी तरफ से, एज ए डिनोटिंग टाइप, या फिर मतलब डिवोटेड होके समथिंग, जो भी डोनेशन आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। आप पेटीएम के थ्रू देना चाहते हैं, पेटीएम के थ्रू दे सकते हैं, डायरेक्ट आप बारकोड को स्कैन करके पे कर सकते हैं किसी भी ऐप से, किसी भी UPI ऐप से, या फिर आप डायरेक्ट मोबाइल नंबर डाल के फ़ोनपे, पेटीएम या फिर कोई भी गूगल पे यूज़ करके आप
डोनेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि कोई भी चीज़ किसी काम को करते रहने में मन भी लगा रहता है और अच्छे जो भी कंटेंट होगा आप तक पहुंचा सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।